YouTube चैनल। तो कैसे हो आप लोग, आई होप आप सारे अच्छे होंगे। तो आज आ गए हैं हम अपने मनाली। तो हमने जाना है आज जो भी वाटरफॉल जो है मनाली से थोड़ी ही दूरी पर। तो अभी हम सारे आ गए हैं और सुबह के 7:30 हो चुके हैं। इसके बाद हमने जाना है जुबली वाटरफॉल और ये है हमारी बहन। मंदिर और आप देख सकते हो यहाँ पर टूरिस्ट बहुत ही ज़्यादा आते रहते हैं। तो अभी सुबह के टाइम में भी बहुत ही ज़्यादा टूरिस्ट आए हैं और हमने अभी दर्शन कर लिए हैं और कुछ टाइम बाद जाना है हमें जुबली वाटरफॉल। तो भाई साहब बने रहिए। है मनाली वशिष्ठ यानी कि, और यहाँ से ये राम मंदिर प्यारा सा। ये टेंपल बहुत ही पुराना बनाया गया है यहाँ पर और ये वशिष्ठ गांव में स्थित है। और अभी आए हैं हम नहाकर। और आप कुछ बता सकते हो इस मंदिर के बारे में? जी हाँ, हम ना इस मंदिर में बहुत बार आया करते हैं और ये मंदिर ना बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और ये मंदिर जो है ये मनाली से थोड़े से ऊपर है वशिष्ठ गांव में, और इस मंदिर का नाम भी है वशिष्ठ ऋषि और जो भगवान जी है। ऐसा कहा जाता था कि पुराने समय में जो है ये जो 7 ऋषि थे ना उनमें सिर्फ एक थे जिसको जो है वो सत्य का ज्ञान प्राप्त हुआ था। और ये बहुत, हाँ जी, उनको ईश्वर जी के द्वारा जो है सत्य का ज्ञान प्राप्त हुआ था। और कुछ टाइम बाद जो है इस मंदिर को यहाँ पे स्थापित किया गया है। बहुत ज़्यादा शक्ति है यहाँ पे, लोग यहाँ पे दूर दूर से नहाने के लिए आते हैं। और यहाँ जो वशिष्ठ है यहाँ पे गर्म पानी भी होता है तो लोग दूर दूर से नहाने के लिए आते हैं। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा शक्ति है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये मंदिर 3 मंदिरों से बना है, मतलब एक वशिष्ठ ऋषि जो यहाँ के स्थानीय देवता माने जाते हैं, और दूसरा है राम मंदिर, राम मंदिर भी इसी के टच में है, और तीसरा है शिव मंदिर। ये तीनों मतलब मंदिर एक साथ यहाँ पर स्थापित किए गए हैं और ये मंदिर बहुत ही प्यारा है। और हमने तीनों भगवान जी के दर्शन भी कर लिए हैं और हमें बहुत पॉजिटिविटी, बहुत अच्छा लग रहा है। पहुँच चुके हैं जो है ये, और अभी हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। हम वशिष्ठ गांव से थोड़ी ही दूरी पर आ गए हैं और अभी हम पहुंच गए हैं वशिष्ठ स्कूल के पास। और यहाँ पर हम पहली बार जा रहे हैं यहाँ से, और अभी हम पहुंच चुके हैं बीच रास्ते में। और ये जो है हमारी दीदियाँ जो अभी फोटो लेने में व्यस्त हैं चुके हैं बीच रास्ते में, और ये हमारी दीदियाँ। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को? गर्मी लग रही है, बाकी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। हाँ जी, अभी है 500 मीटर जुबली वाटरफॉल, तो उसके बाद हम चल पड़ेंगे। और अभी ये लोग फोटो ही खींच रहे हैं और देखिए ये मुझे भगा रही है गाइस। अभी हम पहुंचने ही वाले, ओनली 5 मिनट्स, उसके बाद हम पहुंच जाएंगे अपनी मंजिल में। इसलिए हम अपनी मंजिल में पहुंचने ही वाले हैं। और आप देख सकते हो उस साइड है जुबली वाटरफॉल और यहाँ पर माता जुबली निवास करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा चीखना चिल्लाना या फिर मिट्टी खोदना मना है। तो चलिए अब चलते हैं हम अपनी मंजिल की तरफ। और यह हमारे साथ ही ये थोड़ी चढ़ाई, और आप देख सकते हो यहाँ पर है टूरिस्ट पॉइंट। और हे गाइस, तो अभी हम चल रहे हैं वाटरफॉल की तरफ और देखिए सारे हम अभी चल ही रहे हैं। और यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं क्योंकि मनाली का एक्चुअली कहा भी जाता है द प्लेस ऑफ टूरिस्ट, यहाँ पर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। तो फिलहाल हम चल ही रहे हैं, मंदिर बहुत नज़दीक है हमारे, बस पहुँचने ही वाले हैं गाइस। बट यहाँ से बहुत ही ज़्यादा चढ़ाई है, मतलब बहुत ही ज़्यादा, हम पूरी तरह से थक चुके हैं बहुत ज़्यादा गाइस, बट कोई बात नहीं, हमें आदत पड़ चुकी है अब चलने की। हम अपनी मंजिल में पहुँच चुके हैं, हम पहुँच चुके हैं अपनी, और गाइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। वाह, जुबली वाटरफॉल यहाँ पर इतनी ज़्यादा हवा चल रही है कि हम क्या बोले, मतलब बहुत ही ज़्यादा।
ज़्यादा ठंडा हो गया है और हम पूरी तरह से गीले हो चुके हैं, पूरी तरह से भी जाकर हम जा रहे हैं यहाँ से वापस, क्योंकि हम पूरी तरह से भीग चुके हैं और ठंडा इतना ज़्यादा हो रहा था यहाँ पर। तो अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो अभी हम यहाँ चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं वापस दुकान में। देखिए तो हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया और अभी हम जा रहे हैं वापस, उसके बाद जाएंगे हम मनाली की ओर और उसके बाद देखते हैं कहाँ पे जाएंगे। वैसे तो हमें टाइम इधर ही हो जाएगा, 4-5 दिन इधर ही बस जाएंगे मनाली में, अदरवाइज बस तो हम सीधे घर ही जाएंगे। चलिए फिलहाल के लिए देखिए ब्लॉगर मिस मोनिका ठाकुर।